हल्द्वानी में शहर के चौराहों के चौड़ीकरण की जद में आ रहे 50 साल से अधिक पुराने लगभग 11 विशाल काय पेड़ों को शिफ्ट किया जाएगा। इन वृक्षों को चिन्हित करने के लिए प्रशासन, वन विभाग और लोक निर्माण विभाग ने संयुक्त सर्वे किया। हल्द्वानी डीएम के निर्देशानुसार शहर के प्रमुख 13 चौराहों व तिराहों का चौड़ीकरण किया जाना है। इस चौड़ीकरण में कई सड़कों पर पुराने वृक्ष आ रहे हैं। हाल ही में हुई बैठक में डीएम ने इन वृक्षों को काटने के बजाय शिफ्ट करने के निर्देश दिए थे। सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी के नेतृत्व में प्रशासन, राजस्व, लोक निर्माण विभाग, वन विभाग की संयुक्त टीम सर्वे भी कर चुकी है, जिसमें मंडी पुलिस चौकी मंदिर, कालू सिद्ध मंदिर और नारीमन चौक काट गोदाम शामिल है, जिसमें 50 साल पुराने पीपल पाखड़ के लगभग 11 वृक्षों को चिन्हित किया गया है। इन सभी वृक्षों को गोलापार के गंगापुर कबाल डाल में निर्माणाधीन गौशाला में रिलोकेट किया जाएगा। देखिए, जो चौराहे चौड़ीकरण का और रोड चौड़ीकरण का कार्य चल रहा है, इसमें कुछ पेड़ जो हैं वो सड़क के मध्य में और विस्तारीकरण जहाँ पे हो रहा है उसके बीच में आ रहे हैं। तो लगभग 250 के आसपास पेड़ हमारी की संख्या है, छोटे और बड़े मिला के। और इसमें जो बड़े पेड़ हैं उनको बचाने का भी प्रयास किया जा रहा है, और कल कुछ एक्सपर्ट भी बुलाए गए थे जो पेड़ वगैरह की शिफ्टिंग करते हैं। अगर शिफ्टिंग के लिए पेड़ सक्सेस होते हैं और योजना इस तरह की बनती है, तो फिर इसको जो हमारी निर्माणाधीन गौशाला है उसमें शिफ्ट करने का योजना बनाई जा रही है। सर, चौड़ीकरण कहाँ से कहाँ तक हो रहा है? अभी मुख्यतः हमारे 13 चौराहों का चौड़ीकरण है। इसके साथ ही नारीमन से लेकर के जो काठगोदाम रेलवे स्टेशन का चौराहा है वहाँ तक का, और रोडवेज से लेकर मंगल पड़ाव तक का चौड़ीकरण का कार्य प्रगति पर है। कुछ स्थानों पर क्योंकि न्यायालय, माननीय न्यायालय का स्टे भी है, तो उसको भी देखते हुए अभी कुछ स्थानों पर काम। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।